नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक तरफा प्रेम से परेशान होकर ही एक विवाहिता ने बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसके दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया है। सिरफिरे आशिक ने बदनाम करने के लिए इंस्टाग्राम पर युवती की फोटो के साथ लव योर लाइफ इन कमेंट लिखकर डाल दिया था। बर्थडे के दिन भाई को खत्म करने के लिए धमकाया, ऐसे में विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस मामले में अब परिजनों ने रिपोर्ट भी दर्ज करा दिया है और पुलिस ने बताया कि लंगरिया वास जयसिंहपुरा खोर निवासी मनीषा इंद्रा 24 वर्षीय ने इस घटना को अंजाम दिया। मनीषा की शादी 14 नवंबर 2021 को जामडोली आगरा रोड निवासी जितेंद्र मीणा से हो गई थी। 15 जुलाई 2023 को मनीषा का बर्थडे था और वह अपने पीहर गई हुई थी। सुबह करीब 9 बजे मनीषा ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया है और इसी दौरान उसे तुरंत एसएम अस्पताल में भिजवाया गया, लेकिन रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसे मृत घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद पुलिस ने पीएम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वह मृतक की मां मुन्नी देवी ने बताया कि दौसा निवासी पूरण मीणा से परेशान होकर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। वह मृतका के भाई सुरेश ने बताया कि रिश्तेदार की शादी में आरोपी पूरण उसकी बहन से मिला था और उसी दौरान ही वह पीछा करने लगा था, लेकिन अब उसने 6 महीने बाद एक इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया है, जिसके दौरान अब उसने मुझे भी खत्म करने के लिए धमकाया, जिसके दौरान अब इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अब लगातार पुलिस जांच कर रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर।